चीन के वुहान शहर से चलकर विश्व यात्रा पर निकला दृश्य कोरोना का, देश के बड़े बड़े शहरों से होता हुआ नरसिंहपुर जिले की सीमा के भीतर आया और फिर एक एक कर उसने हमारे जिले के नागरिकों को भी संक्रमित करना शुरू कर दिया। हंसते खेलते उन चेहरों को खौफ से भर दिया। जहां एक तरफ हमारे नरसिंहपुर जिले का हर एक नागरिक मन ही मन डर रहा था, वहीं हमारे जिले का शासन प्रशासन बेखौफ पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ अपना फर्ज अदा कर रहा था। नरसिंहपुर जिले का संवेदनशील और जागरूक प्रशासन तत्परता से कोरोना के प्रसार को रोकने में सक्रिय हो गया। शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर कोरोना के विरुद्ध सफल रणनीति बनाई। लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया किंतु जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की। जनता को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया, जिसके पास मास्क नहीं था उसे मास्क दिया। सबके मन से खौफ को निकाल हौसले से भर दिया। हौसला इस लड़ाई को जीतने का, लड़ाई जो उस वक्त हर एक इंसान कोरोना के खिलाफ लड़ रहा था। एक तरफ हमारे जनप्रतिनिधि जनता को मास्क लगाने और कोरोना से बचने के उपाय बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे शासन प्रशासन के लोग बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहने देख तालियां बजा रहे थे। पर उनकी सारी ये मेहनत बेकार है। आज भी हमें यानी जनता को घूमने फिरने और अपनी बेपरवाह आज़ादी से ज़्यादा प्यार है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ को अस्पताल छोड़ने मास्क लगा के जाता है और अपनी जिम्मेदारी समझता है, तो आखिर हम क्यों नहीं? फुटपाथ पर भीख मांगती बुजुर्ग माँ को भी मास्क लगाने की समझ है, तो हमें क्यों नहीं? एक गरीब सब्जी वाला भी अपने परिवार को पालने के लिए जब बाहर मेहनत करने निकलता है तो मास्क पहन कर निकलता है, तो हम क्यों नहीं? क्या हम पढ़े लिखे शहर के लोग ऐसे ही लापरवाही करते रहेंगे? यूं लापरवाहों की तरह बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मास्क के घूमते फिरेंगे? क्या सारी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिसकर्मियों की है जो निस्वार्थ बिना अपनी जान की परवाह करे हमारी जान बचाने में लगे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं? अब बारी आपकी है। जिम्मेदार बने, सच्चे देशभक्त बने, कोरोना की लड़ाई में देश का साथ दे, बोझ ना बने। देशभक्त सिर्फ सरहद पर खड़ा जवान नहीं, हर वो इंसान है जो जिम्मेदार है और इस लड़ाई में देश का साथ दे रहा है। एक सूत्र याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। याद रहे, लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। न जाने कितने लोग आज भी कोरोना के अधीन हैं। जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, तब तक मास्क ही वैक्सीन है। सभी लोग ध्यान रखें कि लॉकडाउन खत्म हुआ है पर कोरोना नहीं। जब तक कोरोना की दवाई नहीं आती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। इस लड़ाई में पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का सहयोग प्रदान करें। थैंक यू। कोरोना गया नहीं है, कोरोना खतरनाक तो है लेकिन इससे बचा जा सकता है। बार बार हाथ धोएं, सामाजिक दूरी और मास्क की ज़रूरत, बस इतने से हमारी लड़ाई आसान हो जाती है और इस तरह से हम कोरोना से बच सकते हैं।